हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ग्लेशियर्स जो है हिमाचल प्रदेश में वो काफ़ी सारे हैं, और ताकि हम उन्हें डिटेल में अच्छे से कवर कर सकें, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए वो हमसे छूटे ना, इसलिए हम इसे दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला पार्ट होने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ग्लेशियर्स क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विच ग्लेशियर फीस द पब्बर रिवर, यानी पब्बर रिवर में किस ग्लेशियर से पानी आता है। इसके ऑप्शन थे हमारी कुल्टी, शिली, चंद्रनाहन एंड पच्छा। तो इसका आंसर हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि क्या आंसर होने वाला है। उसके लिए आप बने रहिए और इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो नेहा, आकृति, वीरेंद्र और पल्लवी, शीतल, राकेश, संदीप, वेल डन गाइज, वेरी गुड। आपने सबने बहुत ही सही और अच्छे तरीके से हमारे पुराने वाले होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दिया है, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं हम लोग हमारे पहले ग्लेशियर की, जिसका नाम है बड़ा शिगरी। ठीक है, तो बारा शिगरी, बड़ा शिगरी, इस नाम से इसको बोलते हैं। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ बढ़ता है? ये लाहौल एंड स्पीति में बढ़ता है, हिमाचल प्रदेश में, बड़ा शिगरी से। अब क्योंकि हमें जब भी हम ग्लेशियर पढ़ेंगे ना, तो कौन कौन से डायमेंशन हम कवर करने वाले हैं, पहली चीज कि वो कहाँ पर है, दूसरी चीज़ कि उससे कोई रिवर निकलती है तो कौन सी है, कोई लेक है उसके आसपास तो वो कौन सी है, तीसरी चीज़ कि उसके बारे में कोई डिस्टिंक्ट फैक्ट है, चौथी चीज़ कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने उस पर एक्सपेडिशन किया है, क्लाइम किया है उसको। तो ये हमारी पांच डायमेंशन होने वाली है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। जब भी आप कोई ग्लेशियर पढ़ो तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर बड़ा सिगरी की बात करते हैं तो ये चंद्रा रिवर को फीड करता है, ये चंद्रा रिवर को फीड करता है जो टांडी में भागा रिवर से मिल जाती है और जाके चंद्रभागा बनाती है, और जिसको चेनाब के नाम से भी जानते हैं। ये सारी डिटेल हमने कहाँ कवर की है, हमने अपने रिवर वाला जो सेशन था उसके अंदर कवर की हुई है, डिटेल में हमने चेनाब के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके उस रिवर के बारे में भी देख सकते हो। ठीक है, अब आगे हम बड़ा शिगरी के बारे में ही बात करते हैं कि बड़ा शिगरी के पास में ही छोटा शिगरी भी पड़ता है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि छोटा शिगरी क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है उससे थोड़ा छोटा होता है साइज में, इसलिए उसका नाम छोटा शिगरी है। पहली बार जो सर्वे किया था वो किसने किया था, 1906 में एच वॉकर, ई एच पास्को ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से थे जो लोग, उन्होंने किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लेशियर को पहली बार सर्वे किसने किया है, आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में लिख लेना, आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। 1906 पहली चीज, किस किस ने, एच वॉकर और ई एच पास्को, और उसके अलावा किससे एसोसिएटेड थे, हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है। अब और कुछ लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने इस ग्लेशियर को कॉन्कर किया है। पहला 90, मैंने क्रोनोलॉजिकली इन्हें ऑलरेडी अरेंज करके दिया है आपको कि इसी ऑर्डर में इन्होंने कॉन्कर किया था। 1956 में ऑल वुमेन माउंटेनियर्स गए थे, उन्होंने कॉन्कर किया था। 1958 में जे जी स्टेफेंसन ने किया था। उसके बाद 1970 में मेजर बलजीत सिंह जी ने किया था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि देखो, अगर हम पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को देखेंगे तो क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो ईयर वाइज है उन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछ सकते हैं आपसे कि जो मेजर बलजीत सिंह थे उन्होंने बड़ा सिगरी को किस ईयर में कॉन्कर किया था, कब क्लाइम किया था, या फिर ये दे सकते हैं 1970 में इन लोगों में से किसने बड़ा सिगरी को कॉन्कर किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए आपको ये सब याद रखना है। फिर 1957 की अगर हम बात करते हैं, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था उन्होंने एक स्टडी की थी इस ग्लेशियर के ऊपर, ठीक है, और उसका उसमें जो पार्ट लिया था, जो डेप्यूट किए गए थे लोग, उनका नाम क्या था, जी एन दत्त और एफ अहमद। ठीक है, सो दो लोग थे जिन्होंने 1957 में इस ग्लेशियर की स्टडी की थी। कॉन्कर की बात नहीं हो रही है, स्टडी की बात हो रही है। उनका नाम क्या है, जी एन दत्त एंड एफ अहमद, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये भी आप याद रखोगे। सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ जो हमने यहाँ पे देखे वो कौन कौन से हैं, कहाँ पड़ता है, लाहौल स्पीति में पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, उसके अलावा चंद्रा रिवर को फीड करता है,
उसके बाद पहली बार किसने इसका सर्वे किया था, वो 1906 में, ठीक है, एच वॉकर और ई एच पास्को ने किया था। फिर 1957 में, 1956 में ऑल माउंटेनियर ने क्लाइम किया है। 1957 में, क्रोनोलॉजिकली देखना है, ठीक है, 1957 में इस ग्लेशियर की स्टडी की है दो लोगों ने, जी एन दत्त एंड एफ अहमद, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही एसोसिएटेड थे। देन 1958 में जे जी जी स्टेफेंसन गए थे, उन्होंने कॉन्कर किया। 1970 में मेजर बलजीत सिंह, ये आपको बातें याद रखनी है इसके बारे में, दैट्स इट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये कौन है, ये है हमारे ह्यू विस्लर। इन्होंने 1924 में अपनी राइटिंग्स में बड़ा शिगरी के बारे में लिखा था। तो क्या होता है ना, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको मिलेगा कि कुछ ने स्टेटमेंट्स देते देते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है बड़ा शिगरी के बारे में, और नीचे काफी सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग नाम दिए होंगे, तो आपको नाम पता होना चाहिए। आपको कौन कौन से स्टेटमेंट याद रखने हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, कि इन्होंने क्या बोला था कि शिगरी जो है वो पार एक्सीलेंस है। बेसिकली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लो, क्योंकि जरूरी नहीं पूरा स्टेटमेंट आए, वो कुछ पार्ट दे देंगे किसी स्टेटमेंट का और आपसे पूछ लेंगे कि ये स्टेटमेंट बड़ा शिगरी के बारे में किसने बोला है। तो इन्होंने इंपॉर्टेंटली यही बताया था कि लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब पर है, दूसरा ये बताया था कि यहां से रोड जाती है कुल्लू से स्पीति के लिए। दूसरी चीज इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां ध्यान रखनी है वो ये कि 1936 में यहाँ पर एक एवलांस आया था और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा लेक क्रिएट हो गया था, उस लेक का नाम क्या है, चंद्रताल। तो पहली चीज चंद्रताल लाहौल स्पीति में पड़ता है, दूसरी चीज ये 1936 में, आपको ये ईयर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ईयर याद रखना है, 1936 में यहां पर इस ग्लेशियर पे एवलांच आया था और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा लेक क्रिएट हो गया था और उस लेक का नाम क्या है, चंद्रताल। ये आपको इस स्टेटमेंट से याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और ऐसे ग्लेशियर्स जो चंद्रा वैली में पड़ते हैं, ठीक है, उनके नाम पता होने चाहिए। वो नाम क्या है, छोटा शिगरी हमने पढ़ लिया, पच्छा, कुल्टी, शिफ्टिंग, डिंग, करमो, ठीक है, और तपन, गेफांग, गेफांग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसके अलावा शिली, बोलूनाग और समुद्री, ये सारे जो हमारे ग्लेशियर है ये हमारे चंद्रा वैली में पड़ते हैं। अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है किसी के बारे में वो पढ़ लेंगे। गेफांग जो है वो किसके नाम पे रखा गया, उनका नाम लाहौल की डीटी, यानी उनके वहां के देवता है गेफांग, उनके नाम पर ही इस ग्लेशियर का नाम रखा गया है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको मणि महेश ऑफ लाहौल भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन फॉर्म होता है कि विच ऑफ द ग्लेशियर इज नोन एज द मणि महेश ऑफ लाहौल, यानी मणि महेश ऑफ लाहौल किस ग्लेशियर को बोलते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि गेफांग को बोलते हैं। ऑल्सो ऐसा बोला जाता है कि जो इसकी शेप है वो मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड है उसके जैसी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है मिलांग ग्लेशियर, हमारा मिलांग ग्लेशियर जो है उसको पहली बार किसने क्लाइम किया था, नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट एक्सपेडिशन इन 1939। क्या याद रखना है, नाम ग्लेशियर का किसने क्लाइम किया था, नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेडिशन किस ईयर में गया था, 1939 में गया था, दैट्स इट, ये आपको याद रखना होगा। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ग्लेशियर, नेक्स्ट ग्लेशियर की बात करते हैं सोना पानी, ठीक है, सोना पानी भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हम मेन बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ग्लेशियर है जो रोहतांग पास से विजिबल है, रोहतांग पास से दिखता है, यही स्टेटमेंट उठा के वो आपको दे देंगे। और अगर आप देखो ना तो गवर्नमेंट की जो साइज है, ठीक है, जहां पे इनके बारे में दिया हुआ है वहां पर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, और क्वेश्चन कैसे होता है कि वो क्वेश्चन वो स्टेटमेंट को उठाते हैं और उससे क्वेश्चन फॉर्म करके दे देते हैं। तो कौन सा ग्लेशियर है जो विजिबल है रोहतांग पास से, सोना पानी, ठीक है। और इसके अलावा ये आइस क्लिफ है फॉर्म करता है, और इसकी जो स्ट्रीम्स है वो इश्यू होती है, आइस केव सिचुएटेड है यहाँ पे, ये सब एक बार पढ़ लेना आप। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको दो बार सर्वे किया गया है, पहली बार जो सर्वे किया था वो 1906 में वॉकर और पास्को ने किया था, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारा बड़ा शिगरी भी किया है पहली बार, ठीक है। सेकेंड टाइम जो सर्वे हुआ है वो 1957 में हुआ है, कुरियन और मुंशी ने किया था, और ये लोग भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड थे। सो यू नीड टू रिमेम्बर, क्या याद रखना है, सोना पानी दो बार सर्वे हुआ है, पहली बार 1906 में वॉकर और पास्को ने किया है, 1957 में कुरियन और मुंशी ने किया है, ये आपको याद रखना होगा। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट ग्लेशियर, डैट इज भद्दल। तो भद्दल जो है वो इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल रेंज के वेस्टर्न स्लोप, साउथ वेस्टर्न स्लोप की साइड पड़ता है ये, 13-12 भंगल एरिया में, कहाँ पे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पीर पंजाल रेंज के साउथ वेस्टर्न स्लोप की साइड। यहाँ से रिवर भद्दल निकलती है,
ये पता होगा आपको क्योंकि नाम से ही आप एसोसिएट कर सकते हो। और भद्दल क्या है, वो रावी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अगेन हमने ये हमारे रिवर वाले सेशन में कवर की हुई है, वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ग्लेशियर की बात करते हैं, दैट इज पिराड। ठीक है, तो पिराड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ना बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही अच्छी सी आइस केव है यहाँ पे, जो फेमस है टूरिज्म के लिए भी। और बेसिकली लोकल डायलेक्ट में, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसमें पिराड का मतलब होता है ब्रोकन रॉक, यानी टूटी हुई रॉक। ठीक, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक केव है। कहाँ पड़ता है ये? ठीक है, ये 1 किलोमीटर दूर पड़ता है पुतिरूनी से। ठीक है, पुतिरूनी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। तो ये भी क्लियर हो गया, पिराड आपको समझ में आ गया होगा, पिराड से रिलेटेड आपको यही याद रखना है। सो दिस इज ऑल, आज हम इतने ही ग्लेशियर कवर करने वाले हैं। जो बाकी बचे हुए, आप बोलोगे चंद्रनहान और वो वाले जो क्वेश्चन था वो तो रह ही गया है मैम, इसलिए रह गया है क्योंकि ताकि हम जब नेक्स्ट लेक्चर करें उसमें मैं आपको पढ़ा पाऊँ और आप नेक्स्ट लेक्चर तक पहुँच सको। अभी हम बात करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन की। सो जो हमने पढ़ा है उसी से होमवर्क क्वेश्चन है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है आपको, क्योंकि वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारा होमवर्क, इन विच ईयर द बाराशिगिरी ग्लेशियर वॉज कॉन्कर्ड बाय मेजर बलजीत सिंह। अब भी पढ़ा हमने, बहुत ईजी है। मेजर बलजीत सिंह ने बाराशिगिरी जो ग्लेशियर है उसको कब कॉन्कर किया था, ये आपके ऑप्शन है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपना आंसर बताना है। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, जो ग्लेशियर हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, डू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, डू लाइक दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए जहाँ से आप अपने नोट्स बना सके, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आई डी। थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। एग्जाम पास आ रहे हैं, घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है, आप प्रिपेयर हो।